हेलो जी। तो सर्दियों में मटर बहुत ही अच्छे अच्छे मिलते हैं, तो क्यों ना मटर की बहुत सारी रेसिपी भी बनाई जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं जो बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मैं बाल्टी हूँ मटर को, जिसमें मैंने डाला था 1 चम्मच चीनी, जिससे कि वह मटर का कलर एकदम हरा बना रहता है। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं एक मिक्सर ग्राइंडर, जिसमें मैं डाल रही हूँ मटर को थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि मैं पीस रही हूँ। ये मटर के पेस्ट को ना ही ज़्यादा बारीक करना है ना ही ज़्यादा दर दर करना है, आपको मीडियम में पीसना है। तो आप इस स्टफिंग को आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे बताऊँगी कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं दो तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा मटर पीस चुका है। फिर यहाँ पर उसी ग्राइंडर में मैं ले रही हूँ लहसुन, अदरक, मिर्ची, धनिया, जिसे मैं इस जिसका मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिया धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक और थोड़ी सी चीनी। चीनी से बहुत ही अच्छा मिठास आता है इसमें। फिर मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई, जिसमें मैंने जीरा और सौंफ को थोड़ा दरदरा कूट लिया था। फिर मैंने उसमें डाला हींग। हींग डालने के बाद मैं जो मसाले ली थी वो सब मैंने साथ में ही डाल दिया। फिर उसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच बेसन। बेसन डालना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उससे जो मटन में मॉइस्चर रहता है वो सोख लेता है बेसन। फिर मैं उसमें ऐड कर रही हूँ जो धनिया का पेस्ट था, मैं वो ऐड कर वो अच्छे से भुनने के बाद मैंने मटर भी उसमें ऐड कर दिया, मटर का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप कढ़ाई में कैसे चिपक रहा है। थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप इतना मेहनत कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ले रही हूँ आधा मैदा यूज कर रही हूँ और आधा आटा। आप चाहिए तो सिर्फ आटे में बना सकते हैं, आप चाहिए तो सिर्फ मैदा में बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। फिर उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल मोयम के लिए। फिर उसमें आटे को अच्छे से एकदम नरम मुलायम गूंथ ले रही हूँ। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप मैं कचौड़ियों को कैसे स्टफिंग करती हूँ। अगर आप इस तरह से स्टफिंग करेंगे ना, तो आपकी कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी और फूटेंगी नहीं एक भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कचौड़ियों को मैं कैसे बना रही हूँ। तो आप हाँ, मैं आपको एक बात बनाना भूल ही गई। अगर आप चाहिए ना, तो कचौड़ी को ऐसे ही करके एक एयरटाइट पॉलीथीन में करके आप फ्रीजर में रख सकते हैं, जिससे कि आपकी कचौड़ी और फ्रोजन रहेंगी। और जब भी आपका मन करे बनाने का, तो आप अपने फ्रीजर से निकालिए और तल के खा सकते हैं। ये कचौड़ियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और आपको चाहिए तो फिर आप तुरंत तुरंत भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं तुरंत तुरंत बना रही हूँ। तो यहाँ पर चलिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि मेरी कचौड़ियाँ कैसी बनी है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी कचौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही हैं। तो चलिए मैं तो चलिए खानी। तो आप भी एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई करना और बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कुछ झंझट भी नहीं है। तो चलिए मैं तो चलिए खाने। आप भी बनाओ, खाओ, मज़े करो और अपनी रिव्यू मुझे ज़रूर देना। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।